ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं सैन इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, पीडीसी में। ओह आड़ी भी हो रहा, ठीक है। ओके तो ऐड रोल्स करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करते हैं नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये मेरा पीडीसी है, इसके फीचर्स में जाके यहाँ पे हम, नहीं फीचर्स में नहीं आएगा, इसमें आएगा फाइल सर्विसेज में, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, आईएसकेजी सर्विसेज। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगा आईएसकेजी टारगेट सर्वर, या ठीक है, इसको इसको चेक करेंगे फॉर क्रिएटिंग सैन, ठीक है। तो हम कहाँ गए, रोल्स में गए, रोल्स के अंदर फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, फाइल एंड आईएसकेजी सर्विसेज, उसके अंदर सैन आईएसकेजी टारगेट सर्वर, ये आपका रोल है सैन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे इसको, नेक्स्ट करेंगे, सिंपल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट एनेबल करते हैं, यस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। ओके इसे क्लोज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आईएसकेजी ऑप्शन आ गया आपके पास, ठीक है, इस पर क्लिक करो। यहाँ से हम लर्न क्रिएट करेंगे, तो इसको क्लिक करो, आईएसकेजी वर्चुअल डिस्क। अब यहाँ पे हम ई ड्राइव का यूज करेंगे जो हमारे पास है, अराउंड 13। ठीक है, तो हमने ई ड्राइव सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। इसके इसको हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप मांगे डिस्क का नाम, मतलब आप लन का नाम दे दो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ LAN01। ये किसके लिए हो जाएगा, हमारा कोरम के लिए, या पहले स्टोरेज का बना लेते हैं, चलो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हार्ड डिस्क दे देते हैं इसको, डर्म स्पेंडिंग में इसको दे देते हैं 10 GB स्टोरेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आईएसकेजी टारगेट, टारगेट में हम दोनों का टारगेट का नाम दे देते हैं Target1, Tar-01 कर देते हैं, कुछ भी नाम दे दो टारगेट का। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना है आईपी एड्रेसेस उन सर्वर्स के जो इस लर्न को एक्सेस कर पाए, तो हमारे पास दो है, मेंबर सर्वर 1, मेंबर सर्वर 2।
वन का है फोर, टू का है फाइव, ठीक है. तो हम यहाँ पे करते हैं ऐड, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे आई क्यू को एक्सपेंड करो, यहाँ पे आई पी एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे डालोगे 200 4, 4 को मैंने ऐड कर दिया, ऐसे मैं 5 को भी ऐड करता हूँ. ठीक है, तो मैंने दोनों सर्वर ऐड को, कर रहे हैं ना, हाँ मैंने दोनों सर्वर्स को राइट्स दे दिए कि भाई आप दोनों सर्वर्स इसको लर्न को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक्सेस सर्वर्स हो गए आपके, मेंबर सर्वर्स, मैंने दोनों मेंबर सर्वर्स को ऐड कर दिया ताकि वो इस लर्न को एक्सेस कर पाए. आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे इसको, ये आपसे वो पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो नहीं चाहते हो. अगर आप चाहते हो कि मेरा मेंबर सर्वर जब इस लर्न को एक्सेस करे तो ऑथेंटिकेशन हो तो यू कैन, बट मेरे को जरूरत नहीं है. नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ये आपको बता रहा है साइज हो गया आपका 10 GB, लर्न का नाम क्या हो गया उसका, लर्न का लर्न 01 स्टोरेज, टारगेट का नाम हो गया टारगेट 1, एक्सेस सर्वर कौन से हो गए 4 और 5 जो एक्सेस करेंगे इस लर्न को. क्रिएट कर दो, क्रिएट हो गए, डन, क्लोज कर दो. देखो आपका एक लर्न बन गया यहाँ पे, ठीक है. दूसरा लर्न बनाते हैं न्यू, यहाँ पे ई ड्राइव को चूज करते हैं. यहाँ पे ई ड्राइव को चूज करते हैं, नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पे, यहाँ पे नाम देते हैं इसका, इसको देते हैं लर्न 02, इसको देते हैं कोरम. ये कोरम के लिए मैंने बना दिया है, ठीक है. यहाँ पे देते हैं कोरम के लिए 5 GB इज मोर देन इनफ. सो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे वही टारगेट नया बना लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं, ऐड करते हैं. यहाँ पे मेरे को दोनों सर्वर्स पे देना है ये वाला भी, ठीक है. तो 4 कोरम दोनों पे आएगी और 5, ठीक है. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे, तो आपके 2 लंच क्रिएट हो गए, देख सकते हो. क्लोज करोगे यहाँ पे, देखो टारगेट 1 टारगेट 2 दो लंच क्रिएट, ठीक है. अब मुझे इसको कनेक्ट कराने हैं, कनेक्ट कैसे कराओगे, मेंबर्स ऑफ 1 पे जाओगे, उसको एक बार लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन तो ऑलरेडी है, ये लॉक हो गया, ठीक है. अब मुझे इसके लिए इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था आईएस का इनिशिएटर्स के अंदर इंस्टॉल ऑलरेडी रहेगा. तो स्टार्ट पे जाओ, एडमिन टूल्स पे जाओ, नीचे आ जाओ, ये आपका आ गया आईएस का इनिशिएटर जो ऑलरेडी होता है इंस्टॉल्ड ऑलरेडी आपके सर्वर्स पे, इस पर क्लिक करोगे. अब मुझे कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपका आईएस का अभी रन नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसकी सर्विस रनिंग नहीं है. अगर आप इसको येस करोगे तो आप उसकी सर्विस रन करेगी, ठीक है. तो मुझे क्या करना है, सर्विस को रन करना है, तो उसको येस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है. देखिए सर्विस रन हो जाएगी, आपका यहाँ पे एक विजार्ड ओपन हो जाएगा, देखो हो गया आईएस कजी इनिशिएटर प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, ठीक है. अब मुझे यहाँ पे टारगेट का नाम डालना है, तो टारगेट का आईपी एड्रेस डाल दो, या मेरा टारगेट सर्वर कौन है, मतलब मेरा सैन सर्वर, तो सैन सर्वर मेरा कौन सा है 201, ठीक है. ऐसा कर दो क्विक कनेक्ट. देखो इसने आपको दो टारगेट दिखा दिए, टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है, जो हमने बनाए थे. ओके, टारगेट 1 को कनेक्ट कर लो यहाँ से, 2 को भी कनेक्ट कर लो और डन कर लो, ठीक है. दैट्स इट. अरे भैया ये पूरा क्यों नहीं दिखा रहा, ओह इसके पिक्सल्स वो कर दो. हाँ फुल कर दिया, ठीक है, चलो ये भी हो गया डन, ठीक है डन. लेकिन मैं दोबारा देख लेता हूँ. अब यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट पे आते हैं, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है. तो डिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों को वो दोनों लंच शो होंगे, देखो एज अ वर्चुअल हार्ड डिस्क हो रहे हैं शो, डिस्क 1 डिस्क 2 10 GB 5 GB. इसको बस हम लोग से ऑनलाइन करना है, इनिशलाइज करना है और यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट करना है, दैट्स इट. सेम डिस्क 2 पे करोगे ऑनलाइन इनिशलाइज, फिनिश कर दो, ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने मेंबर सर्वर से एक्सेस कर लिया. देखो मैं मेंबर सर्वर 2 पे हूँ इस टाइम पे, मेंबर सर्वर 1 पे हूँ, हमारे यहाँ पे क्या किया, एक्सेस कर लिया लंच, ठीक है. आप चेक कर सकते हो, जैसे अगर मैं मान के चलो मैं पहले यहाँ पे कहाँ गया, मैं अपने पीडीसी पे गया
और यहाँ पे चेक करते हैं इसको, एक बार रिफ्रेश कर लो पोर्टल को, ये आपको दिखा देगा कि भाई करेक्टेड है, देखो एक्सेस कर ली है मतलब किसी ने लंच को, ठीक है। अब एक बार वहां पे जाके देखते हैं, आप यही सेम काम कहाँ करते हैं, मेंबर सर्वर टू पे करते हैं। मेंबर सर्वर टू पे आ गए हम, पासवर्ड ABC8123, ठीक है। अब सेम काम करेंगे, यहाँ भी स्टार्ट पे जाएंगे, एडमिन टूल्स में जाएंगे, इनिशिएटर पे जाएंगे, ये बोलेगा सर्वर स्टार्ट करो, हम बोलेंगे कर दो, यस। सो ये देखो, ये बोल रहा है आपसे 200 वे कनेक्ट करोगे, तो ये दो आपके टारगेट्स हैं, दोनों को कनेक्ट कर लो, डन। ओके चेक कर लो डेस्क मैनेजमेंट में आके, यहाँ देख रहे हो डेस्क वन डेस्क टू दोनों आ गई हैं, 5 GB और 10 GB, और यहाँ पे मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया, तो आपका ई और एफ ड्राइव ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि मैंने वहाँ बनाई थी मेंबर सर्वर वन पे, किसी ने टू बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो मैं सेम ही लोन एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। यस सर, अगर ये सर्वर से चेक करना हो कि किस किसने एक्सेस किया है, तो इज इट पॉसिबल? तो MPIO के थ्रू होता है, तुमसे एक्सेस चेक कर सकते हैं हम लोग, मैं आपको कौन बता से दूंगा। हमारे रिसोर्सेज सर एक्सेस कर एक रहे हैं? एक मेरा डाउट है, हाँ अगर फॉर एग्जांपल मेंबर सर्वर वन इसको फॉर्मेट कर रहा है, तो हाँ उसमें जो डेटा है वो डिलीट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आपका दोनों दोनों जगह पे लंच तो सेम ही एक्सेस हुए है ना, हाँ, तो वो चाहे तो मेंबर सर्वर वन की फिर बात करो टू की बात करो, ठीक हाँ, है। तो अगर तो डेटा दोनों जगह पे जो तुम्हारी ड्राइव्स हैं वो सेम ही है, जो स्पेस है वो सेम ही है, ठीक है। आप तो अपने अकॉर्डिंगली राइट दे सकते हो कि किसको कितने क्या राइट दे रहे हैं तुम लोगों ने उस पर, ठीक है। राइट दे सकते हो, यू वॉन्ट यू कैन गिव द राइट्स, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे अब यहाँ पे इसकी जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एक बार, एंड यहाँ पे अपने एक बार लंच पे आते हैं, ऐसे ही आ गया टारगेट वन टारगेट टू स्टोरेज वाला। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे, तो यहाँ से नहीं, वहां से आप प्रोवाइड कर सकते हो हार्ड डिस्क, मतलब आप उसको मतलब प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब स्पेस स्पेस आपने प्रोवाइड किया, वहां पे जाके उसको आप राइट प्रोवाइड कर सकते उसको हो रीड राइट पर्टिकुलर और जो सर्वर, भी एक्सेस देना है। हाँ ड्राइव पे जाके, ठीक है। तो ये हो गया, नाउ इसके बाद अगर हमने हमारा हमारा साइन बन चुका है राइट, तो हमारा पीडीसी पीडीसी का तो काम खत्म हो गया। अब मैं सर्वर वन पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें करेंगे दो सर्विस इंस्टॉल करेंगे, पहला फाइल सर्वर, दूसरा फेल ओवर क्लस्टर। तो ये एक फीचर है, एक आपका रूल है। तो स्टार्ट पे जाओगे, सर्वर मैनेजर पे जाओगे, ये आपको पहले का रिजल्ट दिखा रहा है जो हमने रिमूव करी थी सर्विसेज, ठीक है। स्टार्टिंग में याद है ना, जब हमने हाँ, क्लस्टरिंग की उसकी रिमूव करी थी, एनएलबी क्लस्टरिंग की रिमूव किया था जब हमने, करेक्ट। वो तब का आपको रिजल्ट दिखा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। हो गया रिमूवल, ठीक है डन, क्लोज करते हैं इसको। अब हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे मुझे एनएलबी फेल ओवर, फेल ओवर क्लस्टरिंग और आपका फाइल सर्वर दोनों सर्वर पे ही करना है, नंबर वन पे भी और टू पे भी। तो पहले हम ऐड करते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे आ गया, रोल्स में फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। यहाँ मुझे फाइल सर्वर देखो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इट्स ओके, एक चीज ध्यान में, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल क्यों हुआ, हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ शेयरिंग किया हो, ठीक है। जब मैं कुछ शेयर करता हूँ अपने अपने सर्वर पे, तो आपकी फाइल सर्वर की सर्विसेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। शेयरिंग पे भी होती है, ये ध्यान रखना। तो फाइल सर्वर आपका यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम कहाँ जाएंगे सिंपल फेल ओवर पे। तो आपका फेल ओवर कहाँ है, ये फेल ओवर, ये रहा फेल ओवर क्लस्टर, ठीक है। इसको इस फीचर को इंस्टॉल करेंगे सिंपल, रिस्टार्ट कर लेते हैं डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक और इंस्टॉल। ऐसे मेंबर सर्वर टू पे जाएंगे, यहाँ भी ये काम करेंगे,
भी आपका वही चीज दिखा रहा है जो हमने पीछे रोल्स या फीचर्स जो रिमूव किए थे वो आपको दिखा रहा है कि आपका सक्सेसफुली रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। अब क्लोज कर दो उसको, ऐड रोल्स यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम वही काम करेंगे अपने, यहाँ पे आएंगे फाइल इंस्टॉल सर्विसेज में, जब भी आपका फाइल सर्वर इंस्टॉल्ड है ठीक है डन, मेरे को जरूरत नहीं इंस्टॉल करने की। यहाँ पे आपका फेल ओवर इंस्टॉल करेंगे हम, सिंपल फेल ओवर फीचर्स इंस्टॉल, फेल ओवर क्लस्टरिंग फीचर इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट अनेबल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। आपका आई थिंक रिस्टार्ट हो के आ गया ऑफिस मेंबर वन, रिस्टार्ट होके आ गया वापस। मेंबर टू में इंस्टॉलेशन चल रही है, होने दो एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं मेंबर सर्वर टू से भी। ठीक है जी, ये आपका हो गया, दोनों स्टार्ट हो गए, मेंबर सर्वर वन भी स्टार्ट हो गया, टू भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं वन पे आता हूँ और फेल ओवर क्लस्टर कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट पे आएंगे, एडमिन टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे आएगा आपका फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर, जैसे आपका नाम भी मैनेजर आया था वैसे फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर, क्लिक करोगे यहाँ पे। ओके, ये कह रहे हैं कि आप विंडोज एडमिन सेंटर के थ्रू भी एक फेल ओवर क्लस्टर को मैनेज कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मेशन। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले अपने क्लस्टर को वैलिडेट करना है, दिखा रहा है वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन। और वैलिडेट का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लस्टर बनाने से पहले मुझे चेक करना है कि भाई मेरा मशीन जिस मेरा सर्वर जिस पे मैं क्लस्टर बना रहा हूँ वो कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है, जो नेटवर्क जब मैं क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कंपैटिबल है कि नहीं है। तो हम पहले करेंगे वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक करोगे यहाँ पे। ये विजार्ड ओपन हो गया आपका, वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब ये बोल रहे हैं कि भाई सर्वर ऐड करो जिसको आपको वैलिडेट करना है। तो ब्राउज करूंगा यहाँ पे, मैं अपने सर्वर का नाम डालता हूँ यहाँ पे, आई थिंक मेंबर 01 ही होगा, हाँ मैम 01 पे काम कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे अभी, राइट मेंबर 01 पे काम कर रहा हूँ। ओके करेंगे यहाँ पे, एंड ओके कर देंगे, तो ये आपका सर्वर ऐड कर रहा है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि आपको ऐसा नहीं है कि सारे सर्वर्स जितने अपने सर्वर अपने क्लस्टर में ऐड करने हैं सर्वर्स उन सबको वैलिडेट करने की नीड है, ऐसा नहीं है। अगर आपका एक सर्वर वैलिडेट हो जाएगा तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाएंगे, क्योंकि सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मुझे एक ही सर्वर यहाँ पे सिर्फ ऐड करो, नेक्स्ट कर दो यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि रन ऑल टेस्ट रिकमेंडेड, ठीक है, तो ये टेस्ट क्या करेगा, the test examine the cluster configuration, hyper-v configuration, inventory, network, storage, system configuration, सारा कुछ करेगा ये। hyper-v हमारे पास नहीं है इस टाइम पे, इसको skip कर देगा, बाकी सारा कुछ cluster configuration, inventory, network, storage और system configuration, सारा कुछ टेस्ट करेगा। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, देखो ये टेस्ट ये करेगा सारे टेस्ट, ये देखो ये सारे टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ये देखो आपके टेस्ट शुरू हो गए होने,
यार एक वार्निंग मिलेगी, ठीक है? वार्निंग क्यों मिली है देखो, ये आपको बोलेगा अगर टेस्ट तो पास हो गया, देखो लिखा हुआ टेस्टिंग हैज कंप्लीटेड फॉर द टेस्ट यू सिलेक्टेड, यू शुड रिव्यू द वार्निंग इन द रिपोर्ट, ठीक है? रिव्यू रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और देखो ये आपकी अरे भैया क्यों हो रहा है गूगल, ये आपकी रिपोर्ट है, ठीक है? हमें एक वार्निंग मिली यहाँ पे, देखो ये रही वार्निंग। ये वार्निंग क्यों है, मैंने तुम्हें बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि भाई आपका नेटवर्क क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए क्लस्टरिंग का, हमारा नेटवर्क सेम है इसलिए इसने वार्निंग दिया। बस यहाँ पे देखो वैलिड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो नीचे आपको दिखाएगा ये वार्निंग मिली है, देखो यहाँ पे Does not have an adapter usable by the cluster with a defined gateway. ठीक है? The DNS suffix such as list to do not match for all nodes recognized for the same nodes. तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो आप जो LAN use कर रहे हो, ठीक है? वो आपका same है जो आप अपना network भी use कर रहे हो उसमें। तो Microsoft ये कहता है कि भाई आपका अलग अलग होना जरूरी है, but ये optional है, warning है, ठीक है? हम इसको ignore कर सकते हैं, it's okay. मुझे finish कर दो। अब नोड, अब हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आ गया नीचे ऑप्शन, उसके बाद क्रिएट क्लस्टर, क्लस्टर क्रिएट करो, ठीक है जी? नेक्स्ट करेंगे वही सर्वर को ऐड करो, आप किस सर्वर पे क्लस्टर क्रिएट कर रहे हो इस टाइम पे? चेक नेम्स, मेंबर वन पे कर रहा हूँ मैं क्लस्टर क्रिएट, ऐड हो गया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब ये कह रहा है क्लस्टर का नाम डालो, ठीक है? तो मैं देता हूँ क्लस सी एल यू सी एल यू एस क्लस्टर 01 कर लेते हैं, ठीक है? इसका आईपी एड्रेस यूनिक रहेगा, ध्यान रखना जब क्लस्टर जैसे हमने वहां भी बनाया था क्लस्टर एनर्जी में, तो उसका आईपी एड्रेस यूनिक था, ठीक है? इसका आईपी एड्रेस यूनिक रहेगा, मैं इसको देता हूँ 201 करेगा, ठीक है? ये क्लस्टर की आईपी एड्रेस, हाँ ये क्लस्टर की आईपी। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात, जब तुम फेलोर क्लस्टर बनाओगे, ठीक है, इसका एक रिकॉर्ड आपका डीएनएस के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? मतलब डीएनएस के आपका होस्ट नेम बन जाएगा एक आपका क्लस्टर का, एक कार्ड बन जाएगा, मतलब आपका होस्ट नेम और उसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा 2200.0.0.201, ये आपका ए रिकॉर्ड बनेगा और ये बनना जरूरी है, ठीक है? ये मैनुअल बनेगा या ऑटो क्रिएट होगा? ऑटो क्रिएट होगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डीएनएस के अंदर बनेगा, डीएनएस के अंदर भी बनेगा और आपका कंप्यूटर आपका जो होता है जहां पे आप ऐड करते हो अपने क्लाइंट्स, उसका कंप्यूटर रिकॉर्ड बन जाता है, कंप्यूटर अकाउंट बन जाता है, वैसे ही इस क्लस्टर का भी कंप्यूटर अकाउंट बनेगा, ठीक है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये मैं क्रिएट हो गया। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्लस्टर आ गया, नोड हम कहाँ पे बना रहे हैं, मेंबर 01 पे, क्लस्टर रजिस्ट्रेशन देखो डीएनएस एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो ये क्या करेगा डीएनएस पे और एडी पे अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, ठीक है? एंड देन नीचे जाओ आईपी एड्रेस क्या होगा इसका 201, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे इसको, अब ये क्लस्टर बिगिन टू कॉन्फ़िगर द क्लस्टर, क्लस्टर 01, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, क्लस्टर को क्रिएट कर रहा है, सर्चिंग द डोमेन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, देखो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बना रहा है आपका ये क्लस्टर 01, पहले सर्च कर रहा है कि भाई ऑलरेडी किसी ऑलरेडी कोई क्लस्टर 01 के नाम से कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बना हुआ है नहीं बना हुआ, अगर नहीं बना होगा तो ये बना देगा इस पर ऑब्जेक्ट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो पूछ सकता है कि भाई जब तुम क्लस्टर बनाते हो उससे कोई रिकॉर्ड कहीं बनता है डीएनएस में, या उसका कोई अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है? यही तो हम कर रहे हैं ना सत्य भाई, अभी एक्टिविटीज में भी याद है, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। देखो नीचे क्या दिखा रहा है, बाइंडिंग योर क्लस्टर टू डोमेन कंट्रोलर, तो ये कर रहा है आपके डोमेन कंट्रोलर से बाइंड कर रहा है क्लस्टर, मतलब उससे मैप कर रहा है। देखो सब कुछ हो गया, अब ये फॉर्म कर रहा है क्लस्टर आपका, फॉर्मिंग क्लस्टर मतलब क्लस्टर क्रिएट कर रहा है, क्लस्टर बना रहा है। ये दो काम करेगा, पहला काम ये करेगा क्लस्टर क्रिएट कर देगा, दूसरा काम डीएनएस के अंदर रिकॉर्ड ऐड आपके एडी के अंदर कंप्यूटर अकाउंट बन जाएगा,
तीसरा चौथा काम क्या बनेगा आपका इसमें, ये आपका इसमें आपका जो मेंबर सर्वर है उसको ऐड कर दिया होगा, और जो आपके सैन के स्टोरेज है वो भी यहाँ पे ऐड होंगी, ठीक है। और देखो फिनिश कर दो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपका एक क्लस्टर आपका बन के आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, क्लस्टर 01 abc.local, एक्सपेंड करो इसको, यहाँ पे नोड्स में आकर देखो आपको दिखा दिया इसमें मेंबर सर्वर 1 आ गया आपका ऐड हो गया, इसका करंट बोर्ड कितना है 1 है, ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज में आपका अभी यहाँ पे डिस्क अभी ऐड नहीं है, मैं जब मेंबर सर्वर 2 ऐड करूंगा तो उसमें ऐड हो जाएंगे डिस्क एंड ऑल सब कुछ। नेटवर्क भी आपका यहाँ पे देखो ऐड हो गया, क्लस्टर क्लस्टर नेटवर्क 1 के नाम से नेटवर्क बना दिया, ठीक है ओके। अब यहाँ पे करते हैं पहले हम नोड्स में आते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं पहले अपना मेंबर सर्वर 2, ब्राउज़र कर लेते हैं। मेंबर सर्वर 2 ओके ओके ठीक है, मेंबर सर्वर 2 ऐड हो गया। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, अब ये बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट करना है मेंबर सर्वर 2 पे या नहीं करना, जैसे जैसे हम लोगों ने मेंबर सर्वर 1 पे किया था वैलिडेट टेस्ट, वो किए थे, वो करना है कि नहीं करना, अब आपकी मर्जी, आपको लगता है कि भाई आपका सब कुछ सेम ही है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको नीड नहीं है करने की, तो मैं नहीं कर रहा, मैं नो कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको सिंपल नेक्स्ट कर दो, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, आपके मेंबर सर्वर 2 को ऐड कर रहा है क्लस्टर में, चलो जी हो गया ऐड, ठीक है फिनिश करते हैं इसको। अब देखो आपका आपके क्लस्टर्स ऐड हो चुके हैं, मतलब मेंबर सर्वर 1 मेंबर सर्वर 2 दोनों आपके ऐड हैं इस टाइम पे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे रोल्स पे आ जाओ, सॉरी पहले यहाँ पे डिस्क पे आओ, देखो डिस्क पे आपको दिखा दी इसने, दोनों डिस्क ऐड हो गई है, डिस्क 1 एंड डिस्क 2। डिस्क 1 आपकी क्या है, ये किस लिए है चेक करो, अच्छा अभी इसने लिया नहीं है स्टोरेज एंड ऑल का, कोरम का लिया नहीं है इसने, अवेलेबल फॉर स्टोरेज, अवेलेबल स्टोरेज ओके ठीक है। अभी दोनों डिस्क क्या आपकी स्टोरेज के लिए अवेलेबल है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ क्लस्टर क्रिएट किया है, अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि हमने किस किस पर्टिकुलर रोल पे क्लस्टरिंग करनी है, अभी क्लस्टरिंग अनेबल नहीं है, अभी सिर्फ क्लस्टर क्रिएट किया है, उसके अंदर हम लोगों ने नोड्स ऐड करी है और नेटवर्क बन गया उसका बस सिर्फ, दैट्स इट ठीक है। देखो एक नेटवर्क बन गया आपका क्लस्टर का, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बताना है कि भाई मुझे क्या करना है, किस पर्टिकुलर रोल पे क्लस्टरिंग करनी है, फाइल सर्वर पे करनी है, डीएससीपी पे करनी है, डीएनएस पे करनी है, किस पे करनी है, मैं रोल्स पे आऊंगा या मैं इसको बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, कॉन्फ़िगर रोल, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, कॉन्फ़िगर रोल का ऑप्शन आएगा आपके पास, कॉन्फ़िगर रोल ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, मुझे किस पे क्लस्टरिंग करनी है, फाइल सर्वर पे, मैं फाइल सर्वर पे क्लिक कर लूंगा ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपने स्केल आउट फाइल सर्वर फॉर एप्लीकेशन डेटा या फाइल सर्वर फॉर जनरल यूज, तो आपने क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, अभी फाइल सर्वर फॉर जनरल यूज करना है, मतलब मुझे SMB DFS NFS जो मेरे फाइल शेयर्स होंगे इन पे क्लस्टरिंग करनी है ठीक है ओके। तो अभी हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, अभी हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है जो फाइल सर्वर पे काम कर रही है, मेरे पास सिर्फ क्या है NFS और SMB का मैं यूज कर सकता हूँ बस यहाँ पे, मैं सिर्फ मैं वही करूंगा। अगर मान लो आपके पास कोई एप्लीकेशंस हैं जो फाइल सर्वर पे काम कर रही हैं, तो आपको फिर सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा, स्केल आउट फाइल सर्वर फॉर एप्लीकेशन डेटा ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ जनरल यूज के लिए करना है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अभी हम उसे क्या पूछ रहा है, अब कैश क्या होता है, कैप क्लाइंट एक्सेस पॉइंट, अब क्लाइंट एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ये आपका पॉइंट है जहां से आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होंगी क्लस्टर को ठीक है जी, आया समझ में ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नाम दूंगा FS-01, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, फाइल सर्वर दे दिया मैंने, चलो फाइल सर्वर क्लस्टर बना रहा हूं, एक्सेस पॉइंट है सर, हाँ ये कहेंगे एक्सेस पॉइंट है हाँ। अब यहाँ पे रहेगा 202, इसका आईपी एड्रेस यूनिक रहेगा। तो हमने दो चीजें क्रिएट करी यहाँ पे, एक तो हमने क्लस्टर क्रिएट किया, एक हमने क्लाइंट एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया जहां पे आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होंगी ठीक है। नाउ इसका नेक्स्ट करेंगे, चंदन समझ में आ रहा है, क्लियर है जी सर। अब देखो ये मुझसे पूछ रहा है
कि भाई आप बताओ आपको कोरम की मतलब स्टोरेज की डिस्क कौन सी देनी है आपने, दो डिस्क थी राइट, देखो मैं दोनों डिस्क दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, डिस्क वन दिखा रहा है 10 GB की और डिस्क टू दिखा रहा है 5 GB की, तो आपकी मर्जी है आपने कौन सी डिस्क स्टोरेज के लिए चूज करनी है। आप जो डिस्क स्टोरेज के लिए चूज करोगे सेकंड डिस्क ऑटोमेटिकली कोरम में आ जाएगी, आया समझ में? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क वन चूज कर ली कोरम के लिए, सॉरी स्टोरेज के लिए, ठीक है, कोरम टू डिस्क टू ऑटोमेटिकली कोरम ले लेगी। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन, अब देखो लिखा हुआ यू आर रेडी टू कॉन्फिगर द हाई अवेलेबिलिटी फॉर अ फाइल सर्वर, तो हम क्या कर रहे हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग या हाई अवेलेबिलिटी एचए प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फाइल सर्वर को। सर ये प्रोसेस दोनों जगह करने की जरूरत नहीं है ना, वो ऑलरेडी नोड में एडिट है, सब ऑटोमेटिकली होगा वहां पे, हमने एक ही जगह तो करी थी लास्ट टाइम भी एनएलबी में भी, तो वही कांसेप्ट है। अब देखो ये बता रहा है स्टोरेज के लिए क्या कर लिया आपने, डिस्क वन ले लिया ठीक है, और ये इसका एक कंप्यूटर अकाउंट बन गया, देखो इसका भी अब एक कैश पॉइंट का भी कंप्यूटर अकाउंट बन गया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ये कर रहा है कॉन्फिगर हाई अवेलेबिलिटी, हो गया डन फिनिश। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ पे अपने पीडीसी पे आओ एक बार, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ एक बार अपने डीएससी और एमएससी पे एडी यूजर कंप्यूटर्स पे, यहाँ पे देखो कंप्यूटर्स में बन रहा है, देखो आ गया एफएस और क्लस्टर 01 कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट हो गए, ठीक है इधर को लिखा हुआ आगे इसमें क्या लिखा हुआ, इसने क्या मेंशन किया, दिस इज द फेल ओवर वर्चुअल नेटवर्क नेम अकाउंट्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाओगे अपने डीएनएस पे, डीएनएस mgmt.msc एबीसी, देखो ये रहा एफएस का बन गया और एक क्लस्टर का बन गया आपका ए रिकॉर्ड बन गया, गुड। नाउ अब यहाँ पे आते हैं अपने क्लाइंट 01 पे, हमारा काम हो गया। अब मैं एक फाइल शेयर क्रिएट करता हूँ, कहाँ से करूंगा मैं, इसी कैश पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड फाइल शेयर, ठीक है, ताकि इस फाइल शेयर पे ऑटोमेटिकली हाई अवेलेबिलिटी एनेबल हो जाए, इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अगर मैं सिंपल करूंगा तो उस पर हाई अवेलेबिलिटी एनेबल नहीं होगी, मुझे यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब यह करूंगा मैं, देखो ये आपका आ गया, ये आपका एसएमबी एनएफएस खुल गया, मैं एसएमबी का यूज करके एक फाइल शेयर क्रिएट करता हूँ, ई ड्राइव में करते हैं, यहाँ पे डेटा के नाम से बना लेते हैं फाइल शेयर, ठीक है, ई ड्राइव में बनाए, ई में कोरम, ई में हाँ पढ़िए 10 GB की, इसमें आते हैं, ठीक है ओके डन। यहाँ पे हम क्या करोगे, देखो आपका, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है इसमें, एनेबल कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी, ये आपका नया आ गया। हालांकि जब आप फाइल शेयर बनाते हो वैसे तो इसमें आपके तीन ऑप्शन दिखाता है, एक्सेस बेस्ड न्यूमरेशन, कैशिंग और एनक्रिप्ट डेटा, ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाता। अब आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है इस फाइल शेयर को, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे इसको, क्रिएट हो गया डन, ठीक है। चेक करते हैं एक बार ई ड्राइव में जाके कि हमारा शेयर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा तो कोरम वाले दिखा रहा है, ये रहा ई ड्राइव, देखो शेयर मेरा, यहाँ पे डेटा आपका क्रिएट हो गया, ठीक है फोल्डर डन। अब क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट कैसे करते हैं, देखो अभी ऑनर कौन है यहाँ पे, इस क्लस्टर का ऑनर कौन है, अभी मेंबर वन है ना, ठीक है, एक बार पहले चेक करते हैं पीडीसी पे जाके कि हम उसको एक्सेस कर पाते कि नहीं कर पाते, जो हमने अभी डेटा क्लस्टर का आईपी एड्रेस किया, मेरा क्लस्टर का आईपी एड्रेस तो शेयर किस करनी है ना, 202 क्लस्टर का नहीं, हमें वैसे शेयर एक्सेस करनी है, 202 है ना फाइल शेयर का, कैश का एक्सेस पॉइंट का लेना है ना सर, नहीं एक्सेस पॉइंट का भाई जाने दे, आपकी जो भी चाहिए पूरा कर डाउन हो गया, ठीक है कर दे डाउन, कर दिया पावर ऑफ, पावर ऑफ करने की जरूरत नहीं, इसका नेटवर्क हिट आए थे, मैंने पावर ऑफ कर दिया, काम ही खत्म, ठीक है। अब देखो मेंबर सर्वर 2 पे आता हूँ, ठीक है, अब पहले चेक करो इसका मेंबर कौन है, मैं कहाँ पे गया, क्लस्टरिंग पे गया, यहाँ पे गया, मैं कहाँ पे गया, नोट्स पे गया, भाई नोट्स पे चेक करो, देखो मेंबर सर्वर 1 डाउन हो गया, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे रोल पे आता हूँ तो ऑनर कौन हो गया? नंबर टू हो गया क्लस्टरिंग. हुआ कुछ? ठीक है अब यहाँ पे चेक करो इसको दोबारा एक्सेस कर लो. एक्सेस होता है होना चाहिए ना एक्सेस. हो गया एक्सेस. सॉरी टू पे दो से दो पे करना. हो गया एक्सेस. मुबारक हो बन गए इंजीनियर तुम लोग. ठीक है अभी ये एक कंसेप्ट है क्लस्टर का, क्लस्टरिंग का जो मैंने तुम्हें बताया. ठीक है अब अभी इसके बाद एक कंसेप्ट हो रहा था कि इसको मेंटेन कैसे करोगे. जैसे मान लो कल को तुम्हारा कोई सर्वर को मेंटेनेंस करनी है जो क्लस्टर के अंदर है. ठीक है तो यहाँ पे एक आपका CAU आता है, क्लस्टर अवेयर अपडेट्स. ठीक है तो उसकी हम बात करेंगे कल, अभी नहीं. ठीक है पहले इतना 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 कंफर्म इतना कर लो पहले. ठीक है ओके संदेश समझ आ गया सर? एक बार रिकॉर्डिंग पॉज करना. हाँ रिकॉर्डिंग पॉज करना.